नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। ध्यानधारी को मनोनयन में प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्री से मांग, लिखा पत्र। वर्षों से खाली पड़े झारखंड के विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग, परिषद के पदों पर मुख्यमंत्री खतियानधारी को मनोनयन में प्राथमिकता देकर झारखंड के पुत्रों को सम्मान देने का कार्य करे, ये बातें झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्र में कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के नव निर्माण में धरती पुत्रों को भी हिस्सेदारी तथा भागीदारी भी देनी चाहिए ताकि वे अपने राज्य को संवार सकें। आगे कहा कि राज्य के निर्माण को 22 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, मगर आज तक जितना झारखंड और समाज का विकास होना था उतना नहीं हो सका। झामुमो के सरकार में आने से खतियानधारी समर्थक मुख्यमंत्री के सत्ता संभालने के बाद झारखंडी समाज में एक आशा जगी है कि वे राज्य के नव निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। समय की मांग है कि झारखंड के खतियानधारी आदिवासी मूलवासी समाज जो सदियों से हाशिए पर है, उन वर्गों को सभी क्षेत्र में अवसर देना एक ऐतिहासिक कदम होगा। IAS अधिकारी वंदना दादेल के खिलाफ CBI जांच और विभागीय कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार अपील पर सुनवाई करते हुए डायडा में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने से संबंधित मामले में उद्योग विभाग और कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल के खिलाफ CBI जांच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को मामले को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मेंशन किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामलों की सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने एकल पीठ के CBI जांच के आदेश पर आदेश रोक लगा दी, जिसे पूर्व हाईकोर्ट की एकल ने इस समय में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए CBI जांच का आदेश दिया था। देवघर DC ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश, कहा अवैध पार्किंग होने पर जब्त करें वाहन। देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री ने शहरी परिवहन, यातायात, सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन बैठक की है। बैठक में DC ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध पार्किंग की समस्या का स्थायी निदान करने का निर्देश दिया। इस दौरान DC ने जानकारी दी है कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, नशा सेवन करके मोबाइल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने के कारण जनवरी से अगस्त 2022 तक कुल 390 चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया है। गढ़वा में बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था अस्पताल, संचालक गया जेल। कांडी स्थित प्रगति नामक निजी अस्पताल के संस्थापक सर डॉक्टर मुकेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वह बिहार के औरंगाबाद जिले के खुदवा थाना क्षेत्र के मालवा गांव निवासी ज्ञानचंद्र प्रसाद का पुत्र है। उल्लेखनीय है कि प्रगति हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। यहाँ आवश्यक सुविधाओं के घोर अभाव में अन्य सहयोगी डॉक्टरों की मदद से बड़े ऑपरेशन भी कर दिए जाते थे। बीते 23 अगस्त को प्रगति हॉस्पिटल में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती कर लिया गया था। प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही व आवश्यक सुविधाओं के घोर अभाव के कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। रांची के बड़गाई से बोड़ैया तक 90 करोड़ से बनेगा 4 लेन, पथ निर्माण विभाग ने दी स्वीकृति। बरियाती रोड पर बड़ाई से लेकर लेम होते हुए बोड़ैया तक सड़क योजना को स्वीकृति मिल गई है। प्राकृतिक समिति ने योजना को स्वीकृति दी है। पथ निर्माण विभाग ने करीब 90 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया है। इसी राशि से मौजूदा सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद निर्माण की दिशा में विभाग आगे बढ़ेगा। रांची में 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का निकाला जाएगा जुलूस, DJ व साउंड सिस्टम पर रहेगी सख्त पाबंदी। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन रिजवी की अध्यक्षता में हिंदी पीढ़ी स्थित इस्लामी मरकज में हुई। इसके निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। सभी जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए सुबह 10:30 बजे करबला चौक पहुँचेंगे और वहाँ से चर्च रोड होते हुए काली मंदिर चौक, डेली मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी, अंजुमन प्लाजा होते हुए 11:30 बजे तक मेन रोड स्थित एकरा मस्जिद चौक पहुँच जाएंगे। पुरानी पेंशन के बाद झारखंड के कर्मचारियों पर मिलेगी खुशखबरी, लागू हो सकती है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना।
झारखंड के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद नई खुशखबरी मिल सकती है। लगभग 2 लाख राज्य कर्मियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करने की वकायत तेज शुरू हुई है। विधानसभा की प्रयुक्त समिति के पहल के बाद इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। 25 अक्टूबर 2014 में राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का संकल्प जारी किया था। पिछले 22 वर्षों से सरकार यह संकल्प लागू नहीं हो पाया है। त्यौहार से पहले कर्मचारियों की दिवाली खाते में आएंगे 76,500 रुपये। बैठक में हुई सहमति, अक्टूबर में 1830 करोड़ रुपये का होगा भुगतान। दिवाली से पहले कर्मचारियों को इस साल 76,500 बोनस के रूप में प्राप्त होंगे। इस बारे में उनके बोनस में 5.5% की वृद्धि हो गई है। रांची में CMPDIL मुख्यालय में प्रबंधन और यूनियन के साथ 7.5 घंटे की बैठक हुई, जिसे बोनस पर निर्णय लिया गया। उपभोक्ता ध्यान दे, अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकेंगे LPG के सिलेंडर। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। LPG गैस सिलेंडर सहित पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक और नई गाइडलाइन तैयार की है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की राशनिंग का फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक अब उपभोक्ताओं का 1 साल में 15 से ज़्यादा LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 2016 से मिलेगा नए वेतन आयोग का लाभ। विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी। राज्य सरकार ने राज्य के 1,007 कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया जाएगा। राज्य के सभी शासकीय कॉलेजों के शिक्षक और समकक्ष संवर्ग को 1 जनवरी 2016 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार UGC वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने जा रही है। गुरुग्राम और मू की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़े क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजा में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था। 1 अक्टूबर से डेबिट क्रेडिट कार्ड को टोकन बनना जरूरी। अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन का नियम लागू हो रहा है। लोगों को बैंकों की ओर से कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए मैसेज भी आने लगे हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद ग्राहक जब भी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन या किसी ऐप के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उसके कार्ड के डिटेल्स इंक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में भी स्टोर होंगे। मुफ्त राशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोविड-19 खत्म हो चुका है। केंद्र से कैपिटलाइट माइंड के CEO। हेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप कैपिटल माइंड के CEO दीपक सेना ने मुफ्त राशन योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया कि यह एक बुरा फैसला है। राशन में मिलने वाला सस्ता अनाज उपलब्ध है, कोविड-19 खत्म हो चुका है और मुफ्त राशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा 44,000 करोड़ का अनावश्यक खर्च। PFI पर बैन केंद्र सरकार की और सर्जिकल स्ट्राइक है। AIBA ऑल इंडिया वार एसोसिएशन ने बुधवार को PFI पर बैन लगाने से सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक है। संगठन ने कहा PFI पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए AIBA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। PM मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के सूरत में करीब 3,400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस परियोजना में ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और जल आपूर्ति व जल निकासी परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर प्रोजेक्ट सूरत के सामान्य लोगों, मध्यम और व्यापारी वर्ग को सुविधाएं हैं। क्रूड ऑयल में उछाल, MP में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। सोमवार को कच्चे तेल की कीमत पिछले 9 महीने में न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा गया। वहीं देश में
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार और बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में $4 प्रति बैरल की तेजी से दिखी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी में तूफान से तेल की आपूर्ति में रुकावट हो रही है, साथ ही अमेरिका के तेल भंडार में भी कमी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को 5G सर्विस करेंगे लॉन्च, होंगे कई बड़े बदलाव। 1 अक्टूबर से देश भर में कई बड़े नियमों का बदलाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। बता दें कि राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कवरेज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम को एशिया महादेश में सबसे बड़ा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी फोरम माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि उसके लॉन्च होने से देश में 5G सर्विस से जुड़े उन बातों पर क्या असर पड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा, आतंकवाद का गढ़ बन गया है केरल, CPI ने बताया झूठा प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि केरल आतंकवाद और कर्ज जाल का गढ़ बन गया है। इस पर मंगलवार को राज्य के सत्तारूढ़ CPI ने कहा कि राज्य में दंगा भड़कने की योजनाओं में RSS सबसे आगे था। CPI ने केरल सरकार के खिलाफ नड्डा के आरोप का विरोध करते हुए झूठा प्रचार बताया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद की सदस्य इस चुनाव के लिए 30 सितंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आरोपियों की संपत्ति नीलाम करके अंकिता भंडारी के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास ने उत्तराखंड द्वारा अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने के ऐलान पर कहा कि यह मुआवजा करदाताओं के पैसे से क्यों दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह पैसा कुकर्म करने वालों की कंपनियों की नीलामी करके दिया जाना चाहिए। राजनीतिक परिवार के संरक्षण में पहले बेलगाम लड़कों के अनाचार की भरपाई जनता क्यों करे।